हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइज, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड पे ही है, क्योंकि मैं बहुत सारे जो कमेंट्स हैं आप लोगों के पढ़ता हूँ, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में मुझे मिलता है कि सर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड कैसे कर सकते हैं ये बताओ। मतलब कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिले जिसके बाद हम कंफर्म हो जाएं कि ट्रेंड्स जो हैं वो जाने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, एंड आने वाले टाइम में मैं बहुत पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे रीड करेंगे। तो फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टेक्निकल अवी फैमिली आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, वहां से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां ज्वाइन नहीं होते तो करते हो बहुत सारी चीजें आप मिस। और जिसे बात करने वाले हैं वो ये कि यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो जो है आप लोगों की डिमांड पे आती है। तो यार, एक लाइक अगर आपकी डिमांड पे वीडियो आती है तो लाइक तो मुझे लगता है आपकी तरफ से एक बनता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये, अगर चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। यार चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक लाइन, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि बेसिक से लेके चलेंगे। पार्ट वन है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एंड आने वाले पार्ट्स में बहुत चीज़ें एडवांस भी होंगी जो आपको मिलेंगी, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आज तक कहीं सीखने को नहीं मिली होंगी, डेफिनेटली आपको यही मिलेंगी इसी चैनल पे। तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन है, और कैसे कंस्ट्रक्शन होता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न का, एक कैंडलस्टिक लाइन का। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके की लाइन होती है। आपको भी पता है, जब हम देखते हैं कोई लाइव चार्ट देखते हैं तो हमें दो तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न या दो तरीके की लाइन मिलती है, लाइन इन द सेंस बॉडी मिलती है। तो हमारी, जैसे आपको पता है, जब आपसे कोई पूछता है अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट कुछ भी, तो आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसे बता सको। तो यही मेरा मोटिव है, ताकि आप लोग चुप ना रहें जब आपसे कोई पूछे अबाउट ट्रेडिंग। कुछ तो एडवांस लेवल की जो नॉलेज है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो हम अभी तक क्या जानते थे कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या वो कैंडल्स हैं, उनको हम कैंडल्स के नाम से जानते थे, बट अब उन्हें हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो बॉडी होती है, देखिए कैंडल जो है, दो तरीके के बॉडी आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं रियल बॉडी। अगर इस तरीके की कैंडल आपको दिखती है, अगर आपको ये कैंडल दिखती है, तो इसे हम बोलते हैं शेडो, ठीक है। इसे हम बॉडी की जो है वो शेडो बोलते हैं। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, तो कैंडल जब स्टार्ट होती है, यानी बॉडी जब स्टार्ट होती है, तो इसका लो पॉइंट यहाँ पर रहता है, यानी जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है वो लो पॉइंट होता है, और जहाँ से आपकी कैंडल जो है वो स्टार्ट होने के बाद बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक ब्लैंक कलर का एक पार्ट आपका मिल जाता है, तो वहाँ से कैंडल को जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम इनिशियली कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। जहाँ पे वो क्लोज होती है वो क्लोज हो गई। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए क्या वैलिड है? तो उन लोगों को बताना चाहूँगा यार, कि आप चाहे 1 मिनट का ग्राफ टाइम रखो, 2 मिनट का रखो, 5 मिनट का रखो, 1 घंटे का रखो, जो कैंडल्स आपको मिलेंगी ना, उन कैंडल्स को बॉडी बोलते हैं। ये रियल बॉडी है, ये शेडो है, और शेडो में भी देखोगे आप तो इनिशियली ये लो है, ये क्लोज पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है, शेडो में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि आपको कैंडल्स मिलती है तो आपने यही सोचा होगा कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ओपन हो रही है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा लेना है आपको। रियल बॉडी की उल्टी शेडो होती है। शेडो में अगर आप देखेंगे, अगर आप खड़े हो जाते हैं किसी लाइट के सामने, तो आपकी जो शेडो बनती है पीछे की तरफ जो बनेगी शेडो, तो आपका जो सिर होगा वो आपका स्टार्ट होगा, तो वहाँ से ओपन पॉइंट गिनेंगे हम, ठीक है। मतलब शेडो आपकी लगभग लगभग जिस तरीके से भी बनती है, तो उस तरीके से आपका जो है स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम डोजी पैटर्न पे। तो बहुत पॉपुलर पैटर्न होता है डोजी पैटर्न, जहाँ से ट्रेंड्स जो है चेंज होने स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, आपकी जो बॉडी है, बॉडी आपका यहाँ देखो, ये जो बॉडी दिख रही है यहाँ पे, कम्प्लीटली आपको कैंडल्स पैटर्न नहीं मिल रहा। आपको लग रहा होगा ये जो पैटर्न है ये किस तरीके से वैलिड होगा। तो देखो, ये अगर इस तरीके कोई पैटर्न मिलता है आपको कैंडल्स में ग्राफ पे, तो उसको हम बोलते हैं डोजी। और जहाँ के बाद ट्रेंड्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसका भी एग्जांपल मैं आज देने वाला हूँ। ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, धीरे धीरे पार्ट्स लाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और आने वाले टाइम में एक्सपर्ट बनेंगे इस चीज़ में। लेकिन एक दिन में सारी चीज़ें ओवरलोड लेके नहीं जाएंगे। तो अगली बात जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि यार, लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट चेंज हो रहा है या मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। वो चीज़ मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेड प्लेस कब करें, व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट डे, और व्हाट इज़ द राइट वीक, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ये चीज़। तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, देखिए ये जो पैटर्न्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये
इस पैटर्न में देखिए आपको ये चार्ट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बार्स हैं। पहली बात तो ये कैंडल्स नहीं है, इन्हें हम बार्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से लुक्स फाइन, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। अब इस बार कैंडल को देखोगे, इस बार को देखोगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा बना है बाकी सारे कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड्स चेंज होने के पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे देखो जो पैटर्न है वो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बार जो है वो बड़ा बन गया सडनली। उसके बाद देखो जैसे ही मैंने कहा था यहाँ से चेंज होने के पॉसिबिलिटीज़ थे और पॉसिबिलिटीज़ सक्सेसफुल रही। फिर बाकी धीरे धीरे छोटे छोटे करके यहाँ पे देखो फिर से ट्रेंड्स इक्वली चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बन गई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इसकी साइज़ देखोगे और इसकी साइज़ देखोगे तो प्रोबेबली सेम है, प्रोबेबली सेम साइज़ के हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड्स चेंज नहीं होंगे। अब थोड़ा सा देखो ये जो बात हो गई ये बार्स पे हो गई, अब कैंडल्स पे आते हैं। तो ये कैंडल्स आप देख पा रहे हो, तो ये आपको देखोगे फर्स्ट टाइम तो आपको दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये चार्ट हमें, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमें ना हमारा जो काम है वो है चार्ट को रीड करना, किस तरीके से हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ फाइन, वो अपनी जगह पे है, बट चार्ट को रीड करना अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे देखो ये डोजी हमें मिली यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे आने वाले टाइम में मार्केट चेंज हो जाता था। यहाँ पे आपको जो है ट्रेड नहीं प्लेस करनी है, आपको वेट करना है। देखो ये आपको शेडो मिला यहाँ पे, एंड देन जैसे ही आपको शेडो मिला तो शेडो की मैंने आपको कहा था स्टार्ट पॉइंट ऊपर होता है, एंड पॉइंट नीचे होता है, उल्टा होता है इसमें। तो जैसे ही आपको ये शेडो मिलती है आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगेन मुझे डोजी मिली, एंड जैसे ही मुझे डोजी मिली मार्केट जो है फिर से चेंज हो गया है। देखा आपने, मतलब ये पैटर्न्स आपको ना, देखो यार मैं आपको सिंपल से बात बताता हूँ बहुत आसान भाषा में, क्योंकि आपको पता है यार हमारा चैनल है बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है। तो देखो आपको जब भी डोजी मिलती है तो उसके बाद आपको पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मार्केट चेंज होने के, नॉट सडनली बट आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो अपवर्ड ट्रेंड मिल सकता है आपको नेक्स्ट कुछ कैंडल्स बाद, या आपको अपवर्ड ट्रेंड्स में है वो तो डाउनवर्ड ट्रेंड्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देख के, ग्राफ को देख के क्या एनालाइज कर पा रहे हो मार्केट के बारे में, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखो मुझे यहाँ पे डोजी मिली, डाउनवर्ड ट्रेंड मुझे मिल रहा था, बट यहाँ पे डोजी के बाद अपवर्ड ट्रेंड मिल गया मुझे। उसके बाद एक और मुझे डोजी मिली, ऑलमोस्ट लगभग लगभग डोजी नहीं, इसे शेडो बोलेंगे, बट थोड़ा सा अगर एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे देखो मुझे शेडो मिला, मार्केट बिल्कुल स्मूथली जा रहा था हमारी बॉडी के साथ, रियल बॉडी के साथ जा रहा था, बट यहाँ पे हमें शेडो मिली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया मार्केट सही नहीं है, समझ गए आप? इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो हमें वेट करना है, हमें वेट करना है कि जब मार्केट स्टेबल होता है, यानी अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आंख बंद करके भैया नीचे की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, यानी अपवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में ले लो, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो अपवर्ड ट्रेंड में ले लो, ऐसे करके दे लो। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ, देखो यहाँ पे ये मार्केट ऐसा है कि आप कंटिन्यूअसली विन नहीं करोगे सारी ट्रेड्स, बीच में हारोगे भी 2 3 4 5, लेकिन अगर आप ठीक ठाक तरीके से चलते हो ना और आप अच्छे तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड कर सकते हो, अच्छी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से जा रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 2 ट्रेड से ज़्यादा आप नहीं हारोगे। 2 3 हारोगे तो वो आप मार्टिकल से अच्छे से कवर कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर और उसके बाद वो मार्टिकल को फॉलो करते हैं तो उनका पूरा पैसा चला जाता है इस मार्केट के अंदर। तो वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे लेसन्स को। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें बताना, मतलब अगर मैं आगे कुछ और चीज़ें भी बता देता तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता नहीं आपके समझ आएंगी, और आ भी गई तो दिमाग में नहीं बैठने वाली। तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ इन द सेंस, हमने स्टार्ट किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कंस्ट्रक्शन से, कैसे होता है, बॉडीज होती हैं, रियल बॉडी होती है, उसकी शेडो होती है कैंडल्स को। बार के बारे में बात की थी मैंने कि अगर बार होते हैं तो किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ लोग बार्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग कैंडल्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कैंडल के साथ में मैंने आपको दिखा दिया, शेडो जैसे ही आपको मिलता है मतलब मार्केट चेंज होने वाला है, डोजी आपको मिल गया मतलब मार्केट चेंज होने वाला है। बहुत हेल्प करने वाली है ये सारी स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे इसके रिगार्डिंग, वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। इसी बात पे एक लाइक मुझे लगता है आपकी तरफ से मुझे मिल गया होगा। वीडियो पे अभी तक नहीं किया यार तो कर दो लाइक, कब तक करोगे? एंड हैशटैग टेक्निकल अभी यार वीडियो के कमेंट में, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई क्वेरी हो तो यार कमेंट में पूछो, जो जरूरी क्वेरी लगती है मैं उसका आंसर बिल्कुल करता हूं आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे आपका ज्वाइन होना, बहुत कुछ चलता है भैया, लाइव ट्रेडिंग चलती है और मैं सारी जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे ही देता हूं। चैनल पे बिल्कुल नए हो, उम्मीद करता हूँ यार चैनल पे बिल्कुल नए होंगे तो सब्सक्राइब अभी तक आपने कर दिया होगा। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।